जहाँ पर गर्म जल जो है लगातार आता रहता है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े निकाल कर कुछ स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग पैर डुबो कर बैठे हैं क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जब हम लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो केदारनाथ धाम यात्रा से पहले दो मुख्य पड़ाव आते हैं, एक है सोनप्रयाग और दूसरा है गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम गौरीकुंड के बारे में जानेंगे क्योंकि गौरीकुंड से हम पैदल ट्रैकिंग तो शुरू कर देते हैं लेकिन गौरीकुंड में क्या क्या है दर्शन करने के लिए उसको इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और दर्शन भी कराएंगे। आपने एक बात सुनी होगी कि गौरीकुंड में एक गर्म जल का कुंड है जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद पैदल ट्रैकिंग शुरू करते हैं। तो आज हमारा सारा फोकस रहेगा गौरीकुंड को, गौरीकुंड के नाम से क्यों जाना जाता है और वो कुंड कहां है जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी हम गौरीकुंड में एंट्री कर चुके हैं और थोड़ा सा आगे चलेंगे। गौरीकुंड में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, वो भी दिखाएंगे। तो लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो जैसे कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं घर से लाना, तो एक गौरीकुंड की छोटी सी मार्केट है जैसे उसमें सबसे ज़रूरी हो जाती है कि मेडिकल सुविधाएं। कई बार दवाएं आप भूल जाते हैं इस रास्ते में। जब आप गौरीकुंड से आगे ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो मेडिकल स्टोर आपको कई मिलेंगे। ये देखिए मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पर आप बेसिक दवाएं अगर लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे कई रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप अगर नाश्ता करना चाहते हैं नाश्ता अपना सुबह का कर ले उसके बाद ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। ये देखिए ये रेस्टोरेंट यहाँ बने हैं और ये जो रास्ता है ये गौरीकुंड जो मेन कस्बा है इसी के बीच से होकर जाता है। बीच से ही ट्रैकिंग आप शुरू करते हैं। और तो अभी आप ये इन दृश्यों को देखते जाएं और उसके बाद हम आपको कुंड पर ले चलेंगे जहां पर गर्म जल आता रहता है, श्रद्धालु स्नान करते हैं और जब स्नान करो तो सारी थकान दूर हो जाती है। कई मेडिकल स्टोर आपको इस रास्ते में मिलेंगे, तो आप अगर कुछ लेना चाहें बेसिक दवाएँ या ORS का घोल लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहां पर कुछ होटल्स हैं, लॉज हैं जहां पर आप रूम ले सकते हैं, रुक सकते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं गौरी माई का मंदिर है। जब केदार बाबा की डोली जो है ऊखी मठ से लाई जाती है तो गौरी कुंड में इसी मंदिर में रात्र विश्राम होता है। ये राइट साइड में देखिए आप गौरी माई मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बाबा जी की डोली एक रात्र में यहीं विश्राम होता है और नेक्स्ट डे यहाँ से डोली जो है केदारनाथ धाम के लिए जाती है। तो अगर आप लोग गौरी कुंड से होकर केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इस मंदिर के लिए भी समय निकालें। यहाँ पर गौरी माई का मंदिर है, यहाँ पर आशीर्वाद लेकर जो लोग यात्रा करते हैं उनकी यात्रा बहुत ही अच्छे से पूरी होती है, ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। और यहीं पर पास में गौरी कुंड भी है तो वहाँ हम ले चलेंगे। दोस्तों गौरीकुंड के इतिहास की दो जो कथाएं हैं वो यहां से जुड़ी हुई हैं। एक कथा तो कहा जाता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यहां पर घोर तपस्या की थी तो उनके तप के बल से यहां का जो जल है वो गर्म हो गया था और जब से इस जगह की मान्यता है और यहीं से 14-15 किलोमीटर दूरी त्रियोगी नारायण मंदिर है जहाँ पर माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था। और दूसरी जो कथा है वो गणेश जी से जुड़ी हुई है। जब माता पार्वती जी यहाँ पर स्नान करने के लिए जा रही थी
माता पार्वती ने अपने शरीर से निकले हुए लेप से गणेश जी को बनाया था, बाहर खड़ा कर दिया था और कहा था कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आने पाए, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तो भगवान शिव जब आ रहे थे तो भगवान शिव को गणेश जी ने रोका, तो भगवान शिव और गणेश जी में लड़ाई हुई। उसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का जो गला है वो काट दिया था। उसके बाद एक हाथी का सर गणेश जी पर लगाया गया। तो ये दोनों कथाएं जो हैं इसी स्थान से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं गौरी माई मंदिर, गौरी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेंट आपको नजर आएंगे, जितने भी ब्लॉगर हैं टेंट लेकर चलते हैं। क्या हाल है जी? बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली हम गौरी कुंड तक पहुंच चुके हैं। मेरे बैक साइड में देख सकते हैं ये है गौरी कुंड, जहां पर गर्म जल जो है लगातार आता रहता है और बहुत सारे श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ आसपास के व्यू दिखाएंगे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप स्नान करेंगे तो कुछ देर के लिए जो आपकी ठंड है वो आप उससे बच सकेंगे और जैसे ही स्नान करके बाहर निकलेंगे फिर से ठंड लगेगी। तो अभी चलते हैं यहाँ पर दर्शन कराएंगे। आसपास यहाँ पर एक मंदिर भी नज़र आ रहा है। तो गौरी कुंड के आसपास आप देखते हैं बहुत सारे टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर गर्म जल जो है वो लगातार आता रहता है और इसी वजह से आसानी से लोग देख रहे हैं कपड़े निकाल कर कुछ स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग पैर डुबो कर बैठे हैं क्योंकि बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखिए आप लोग दर्शन करते जाइए गौरी कुंड, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और उसके बाद आगे यात्रा शुरू करते हैं। और आइए आसपास का व्यू दिखाते हैं आपको। टेंट ही टेंट लगा दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए कई होटल्स हैं, लॉज हैं जहाँ पर श्रद्धालु रुकते हैं और इस डायरेक्शन में आगे यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। कुंड के दूसरी ओर देख सकते हैं जहां पर मंदाकिनी रिवर का जल आ रहा है, केदारनाथ धाम से मंदाकिनी रिवर का जल आता है। और इस तरफ देखिए आप लोग अभय जी, जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो यहां पर क्या उस समय ताजा हाल था? बहुत भयंकर हालत थी। आपने यहाँ पर देखा था यहाँ का हाल? बहुत ज्यादा, बहुत बुरा। बताते हैं कि ये जो गौरी कुंड है पूरा डूब गया था, इसके ऊपर से जल बह रहा था। ये तो यहाँ से पूरा ये साफ हो गया था। बड़ी बड़ी मंजिलें थी यहाँ तो। अच्छा, मंजिल यहाँ पर साइड में बड़ी बड़ी मंजिलें थी यहाँ तक, नीचे तक सब साफ हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये सारे होटल्स जो बने हैं ये सब नए बने हैं? ये नए होटल्स बने हैं? पूरा साफ, ये नीचे नीचे सब नए बने हैं। ये गौरीकुंड से कितना ऊपर से जल बह रहा था? ये यहाँ तक ज्यादा ये स्पॉट है। अच्छा अच्छा, यहाँ तक बह रहा था जल। तो यहाँ पर भी होटल बने थे क्या इस तरफ? पूरे मकान थे यहाँ। दोस्तों यहाँ पर हमने भी स्नान किया था और सच में इतना ज्यादा गर्म जल था कि धीरे धीरे करके बॉडी को भिगोना पड़ रहा था। और क्योंकि एकदम से आप इस जल में अगर डुबकी लगाना चाहो तो लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जल जो है इतना ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा था कि बॉडी ऐसी लग रही थी जल जाएगी। जबकि बगल में बर्फीला जल था। ये देखिए ये मंदाकिनी नदी का जल है जो बगल में ही है और इसमें इतना बर्फ़ के समान ठंडा जल आ रहा है और इसी के बगल में वो कुंड है जहाँ पर गर्म जल आ रहा है। तो दोस्तों ये थी गौरी कुंड की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपने गौरी कुंड को अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, जय माता दी।